कांग्रेस हमेशा यही भाषा हाथ पैर कर रही है। कभी सेना के ऊपर सवाल उठाना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, कभी इनकाउंटर पर सवाल उठाना, और उसके बाद जिस तरीके से सैफुद्दीन सरोज और जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने के वक्तव्य आए हैं, इस पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, कम से कम सोनिया जी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, राहुल जी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, और हम जानते हैं वो स्पष्ट नहीं करेंगे। वोट के लिए वो कितना गिर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं, कितना गिर सकते हैं। अब जब जो उनके बयान आए उससे ज्यादा तो सोचा नहीं जा सकता है। वही लश्कर की बात आपने की तो वही माना जाए कि जिस तरह गुलाम नबी आजाद की भी आपने बात की, तो गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहा है कि सेना जितने मिलिट्रियंस नहीं मारी उससे ज्यादा सिविलियंस मार चुकी है। देखिए उनको सेना से नहीं मतलब है, सेना के लिए मानवाधिकार नहीं है, सिपाही के लिए मानवाधिकार नहीं है, उनका सारा मानवाधिकार जो है आतंकवादियों के लिए। तो क्या साफ तौर पर माना जाए कि कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करती है, पैदा करती है कांग्रेस, और क्या, किसको, आतंकवादी पैदा करती है। ये समस्या किसकी देन है, समस्या कांग्रेस की देन है।